आईपीएल के 15वें सीजन में दिल्ली के लिए खेलते हुए भारतीय टीम के अनुभवी स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने शानदार वापसी करते हुए मुंबई बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। कुलदीप यादव ने मिडल ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हुए मुंबई के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर खूब नचाया। कुलदीप ने अपनी फिरकी का जलवा दिखाते हुए मुंबई के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा का विकेट भी शामिल था। बता दें कि पिछले साल कुलदीप यादव कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्हें इस टीम में ज्यादा खेलने के मौके नहीं मिले और आखिर में इस साल टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया। हालांकि मेगा ऑक्शन के दौरान दिल्ली कैपिटल्स ने भारत के इस युवा गेंदबाज में भरोसा जताते हुए उन्हें 2 करोड़ में अपने साथ शामिल किया। कुलदीप के इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उनके कोच कपिल पांडे बेहद खुश नजर आए हैं और उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि आईपीएल शुरू होने से पहले कुलदीप चोटिल हो गए थे, उसके बाद जब उन्होंने मैदान पर वापसी की तो मैंने उनके लिए एक अलग से प्लान तैयार किया। गेंदबाजी बेहतर करने के लिए क्लब स्तर के मैच खेलने की योजना बनाई ताकि उन्हें कमियों पर काम करने का मौका मिले और मैच प्रैक्टिस भी हो सके। कुलदीप कानपुर के क्लब स्तर के मैच में खेले, जहां मैंने उनसे बॉल को आगे रखने के लिए कहा। उन्हें मैंने छोटी गेंद न रखने की सलाह दी थी, जिसके बाद रविवार को मुंबई के खिलाफ उन्होंने गेंद को आगे रखा, जिससे बैटर को शॉट खेलने का मौका ना मिले। कुलदीप ने जिस गेंद पर रोहित का विकेट चटकाया वो गेंद भी आगे थी, जिससे कुलदीप को रोहित का विकेट मिला। कुलदीप के कोच कपिल पांडे ने आगे कहा कि कुलदीप की गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है, वह विकेट टेकर गेंदबाज हैं और उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। आईपीएल में भी केकेआर की टीम ने उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए और जब भी उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया तो उन्हें 1 या 2 ओवर की ही गेंदबाजी दी गई। दिल्ली ने जब उन पर भरोसा जताया और मौका दिया तो उन्होंने खुद को साबित कर दिखाया। कोच ने आगे कहा कि विराट की कप्तानी में कुलदीप को ज्यादा मौके नहीं मिल पाए और वो टीम से लगातार अंदर बाहर होते रहे हैं। कपिल पांडे को भरोसा है कि भारतीय टीम के नए कप्तान रोहित शर्मा उन पर भरोसा जरूर जताएंगे और टीम में मौका देंगे। अगर टीम इंडिया में कुलदीप को खेलने का मौका मिलता है तो जरूर वो अपने प्रदर्शन से सभी को गलत साबित कर देंगे। जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित कर देंगे। कुलदीप के कोच ने आगे कहा कि वह 3 फॉर्मेट में एक बेहतर गेंदबाज हैं। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में जाकर भी शानदार प्रदर्शन किया है। कुलदीप अब तक वनडे में 2 बार हैट्रिक ले चुके हैं, साथ ही टेस्ट क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। अगर क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट की बात करें तो कुलदीप यादव ने अब तक खेले गए 7 मैचों में 26 विकेट चटकाए हैं। पांडे ने आगे कहा कि कुलदीप और अक्षर पटेल की तुलना करना सही नहीं है। अक्षर को जो भी मौके मिले हैं वो घरेलू सीरीज में ही मिले हैं, जबकि कुलदीप एक चाइनामैन गेंदबाज हैं। हाँ, टीम कॉम्बिनेशन के लिए आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को एक साथ ज्यादा मौके मिले हैं। मैं ये नहीं कहता कि कुलदीप के साथ कोई नाइंसाफी हुई है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्हें टीम में नहीं खिलाने के जो भी वजह रही हो, पर उन्हें मौके बेहद कम मिले हैं। बता दें कि मुंबई के खिलाफ खेलते हुए कुलदीप यादव ने मैच विनिंग प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने 4 स्पेल के दौरान सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। कुलदीप के इस प्रदर्शन से प्रभावित उनके कोच ने कहा कि जिस तरह की गेंदबाजी कुलदीप ने मुंबई के खिलाफ की है वो आगे भी जारी रहेगी और आगे के मुकाबलों में भी वो कुछ इसी तरह का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इस साल के आईपीएल में कुलदीप अपने नए अवतार में नजर आएंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहें क्रिकेट एडिक्टर के साथ।